पंडित जी 11 बजे का मुहूर्त निकाले हैं, उसके बाद तू ये घर की बेटी नहीं संत की हो जाएगी। रात 11 बजे का तो हर शादी का मुहूर्त है, तू खुश काहे नहीं हो रही? नहीं दादी, खुश तो हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुहूर्त सबका रात का ही क्यों निकालते हैं शादी का। मेरी एक सहेली थी, उसकी शादी का भी मुहूर्त पता नहीं 1:30 का निकाला था, और जब तक शादी हुई तब तक तो मैं जाके सोई गई थी, और जब मैं सुबह उठी तो सब लोग सो रहे थे। और दादी, अगर मेरी शादी में भी ऐसा ही हुआ, और अगर मैं सारे फोटोज में ऐसे यौन करती हुई आई तो फिर? अरे तू चिंता ना ही कर, हम सब तुम्हारे साथ होंगे ना, तो फिर नींद आने लगेगी, अब बस ऐसे गुदगुदी निकाल देंगे। ठीक है। हाँ भाभी, क्या कह रही थी आप? झूठ कहे तो कहो अभिमन्यु, समझो ना, जल्दी तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। वो कैसे भाभी? अरे हमारे दिखाए हुए काजल को देख कर ना बाबूजी और दादी जल्दी ही ना तुम्हारी शादी का रथ लेकर दौड़ पड़ेंगे। अब मतलब ये है ना कि दुर्गा की शादी के बाद ना तुम्हारे और गौरी के छेके की बात करेंगे। सच कह रही भाभी? दादी ने खुद कहा आपसे? अरे सिर्फ दादी कहा कहेंगी, तुम्हारे होने वाले ससुर जी ने हमसे खुद कहा है कि लड़का उन्हें पसंद है, और पसंद वो भी क्यों ना। गौरी, आपने बुलाया? तुम्हारे लिए कुछ लाया। हमारे लिए? दिखाइए। पहले आंखें बंद करो। प्लीज दिखाइए ना। कहा ना, पहले आंखें बंद करो। अच्छा ठीक। अब आंखें खोलो। वाओ, कितनी सुंदर है ये। तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है गौरी। अभी कहाँ सोचने लगे अब, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओ भाभी, दादी और बाबूजी के लिए कुछ लाया था, आप उन्हें दे दीजिएगा। झूठ कहे तो कहो अभी, तुम ना बहुत भोले हो। अरे उन्हें अच्छा तो लगेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा तब लगेगा ना जब उनका होने वाला दामाद ना उन्हें खुद अपने हाथों से दे, और साथ ही साथ ना उनका आशीर्वाद भी ले। ओए बोमकेश बख्शी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। हे भगवान, तुम सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते। सीधा सीधा क्या? सीधा सीधा, तेरी कमला भाभी ने सबको जलेबी की तरह टेढ़ा टेढ़ा करके रखा है। मतलब ये कि मुझे पक्का यकीन है तेरी कमला भाभी और अभिमन्यु के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। झूठ कहे तो कहो, ऐसे ही ना अपने ससुर और तदिया सास को प्रभावित करते रहो, फिर देखना इस साल का सबसे श्रेष्ठ दामाद का खिताब तुम्हें ही मिलेगा। खिचड़ी बकरी को या बिरयानी, तुम्हें उसे क्या, तुम्हें कौन सा खानी है? मुझे नहीं खानी, पर डर इस बात का है कि जो कोई और खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा। तो उसकी चिंता मत कर, हम है ना, हम साथ है तो हम सब संभाले, खराब पेट भी। ऐसे शेफ, दादी हमारा छेका करवाने वाली है। लेकिन उन्होंने अब तक ऐसी कोई भी बात नहीं की है डायरेक्टली। लेकिन उनकी हर बात में यही इशारा है कि इस बात में और देरी ना कीजिए, तो उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। और उल्टी गिनती 10,000 से भी स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उसे जल्दी जीरो तक लाओ। वो कैसे? देखो शेफ, तुम्हें अपनी दादी और बाबूजी से बात करनी होगी और सारी गलत फहमियों को दूर करना होगा। दादी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई है, चलिए तैयार हो जाते हैं। तैयार जब, हमें कौन सा बखत लगे, हमें कौन सा सजे धजे खाए। अरे क्यों नहीं सजना धजना है, चलिए हम आपको तैयार करेंगे, और देखिए अब पहले से ना कहीं ज्यादा सुंदर दिखेंगे। वो तो ठीक है, पर उससे पहले छेके का सामान मोहना का दिखा दे, कोनो कमी रह गई हो तो मंगा लीन जाए। जी दादी, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा हुआ मोहना तू आएगा, हाँ छेके का सामान है, देख लो कोनो कमी रह गई हो तो बच्चन का भेज के मंगा लें जाए। गुरुजी आप ये रहने दीजिए, मैं हूं ना, हम लोग बाद में मिलकर साथ में चेक कर लेंगे,
आप अभी जल्दी से तैयार हो जाइए, बाथरूम खाली है, वरना बाद में फिर से बाथरूम में कोई घुस जाएगा। हाँ मोना, सिर्फ ठीक है कह रहा, बिया का घर है, चहल पहल रहा थे, उससे पहले कि कोई और घुस जाए तो जाके नहा तैयार हो जा। अभी मन्नू कहूँ दिखाई नहीं दे? दादी पता नहीं यहीं गई थी भाभी के साथ। अच्छा वो सब छोड़ी, ये देखिए ये कुछ साड़ियाँ हैं शाम के फंक्शन के लिए, आप बता दीजिए इसमें से कौन सी पहनी। झूठ कहे तो कहो गौरी। अरे ये सीधी सादी साड़ी दूर कर, और ये देखो हम दादी के लिए काले कर आए। दादी ये देखिए अभी मन्नू आपके लिए कितना सुंदर साड़ी लेकर आया है। हम कहाँ पहना था इतनी भारी साड़ी। दादी आप भी ना, अरे कहाँ बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। अरे पहन लीजिए ना, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, है ना गौरी? और वैसे भी दादी अभी मन्नू आपके बेटे के जैसा ही तो है, मन रख लीजिए ना इसका।